तो आप जब हमने ये देखा क्या होगा, जो हमारा ध्यान यहाँ जो बटा हुआ था, हमारे आवर कंसंट्रेशन आई मीन टू से आवर मेंटल पावर मेरी बेटी, हाँ अब केवल भगवान में जम जाएगी। हाय हाय, ये पांच प्रकरणों सिवाय गीता के कोई नहीं बताता ये बात। ये गीता के भगवान जी ने बड़ा क्लियर किया है, जो हमने अपनी भूल से, अपनी बकवास से, अपनी इमेजिनेशन से, अपनी सपोजिशन से, अपनी अज्ञानता, अपनी पर्दा जहालत से अपने मन को बांट रखा था यहां 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 यहां, अब अगर केवल एक भगवान में वो इकट्ठे हो जाएगी, पता लग जाता है ये सब कुछ भगवान जी के कारण से। इसका मालूम होना बड़ा मुश्किल, बड़ा मुश्किल, मैं तो कहूंगा आजकल असंभव है इस बात को मालूम कर लेना। ये सब कुछ महाराज जी के कारण से है। जितना भी कोई हसल बसल, चहल पहल, रौनक आना जाना, चाहे छोटी सी अणु है, परमाणु है, चाहे खून के सेल यानी जीवाणु है, कि वो भगवान की सत्ता के कारण से। जितना भी आप नजर मारती हैं, सूर्य चांद सितारे, केवल भगवान की सत्ता के कारण से, उनकी सत्ता के कारण से इनकी महत्ता है। मैं महत्ता कह रहा हूं इंपॉर्टेंस, सत्ता कह रहा हूं एग्जिस्टेंस, ड्यू टू दैट डिवाइन पावर, डिवाइन पावर के कारण से सबकी महत्ता है। जिससे डिवाइन की पावर गई कुछ भी नहीं, जीरो। हम सब हीरो हैं, क्यों? भगवान की शक्ति है। हम जीरो हो जाएंगे यदि भगवान की शक्ति निकल गई। ये दो शब्द मेरे गुरुदेव को पकड़ लो, हीरो जब भगवान की शक्ति है, जीरो जब भगवान ने अपनी शक्ति निकाल ली। हीरो से जीरो जी, आपने राक्षस वाचक समझ लो, भगवान की शक्ति हम सब शिव है। हाँ शक्ति निकल गई तो छोटी की मात्रा हटाओ, शव, शव मैंने मुर्दा, लाश, डेड बॉडी। हाय रे पामीरिया, महाराज जी की शक्ति है तो हम शिव है। महाराज जी ने शक्ति निकाल दी तो क्या होता, आली बहन शव यात्रा में चले।